नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है कोमल किचन में। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मटन करी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। मैंने ये 1 kg मटन लिया है, इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अभी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो हम कुकर लेंगे। तो ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। मैं 1.5 चम्मच बड़ा ऑयल का ले रही हूँ, क्योंकि हमारा मटन 1 kg है, तो इसमें ऑयल के बगैर हमारा अच्छा नहीं बनेगा, इसमें ज़्यादा ही मसाला चाहिए। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है, सरसों के ऑयल से बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। ऐसे तो आप रिफाइंड के तेल से भी बना सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सरसों के तेल का टेस्ट अच्छा रहता है। तो अभी ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे। अभी जीरा तड़कने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से कट कर लिया मैंने। ये प्याज मैंने डाल दिया, अभी इसमें हरी मिर्च भी डाल दूंगी मैं अच्छे से मिक्स करके। देखिए अच्छे से मैंने अभी हरी मिर्च ले लिया, मैंने हरी मिर्च भी इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और 1-2 मिनट के करीब मैं इसको पकाऊंगी, ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें प्याज की मात्रा भी ज़्यादा ही चाहिए, तभी हमारा मटन अच्छा बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसमें 2 बड़ा चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है। मटन इनमें ज़्यादा ही मसाला रहता है, तब भी अच्छा लगता है। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर का लिया है। नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हो। धनिया पाउडर लिया मैंने 1 बड़ा चम्मच, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस थोड़ा कम कर देंगे ताकि हमारा सूखा मसाला जले ना। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस को एकदम कम कर रखा है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है। अभी हमारा मसाला भी पक के रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें, मैं टमाटर नहीं लिया, इसमें मैं टमाटर की जगह दही लिया है। दही का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा दही का करी बनाने के लिए। तो मैंने दही को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इनको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 2 मिनट के करीब। दही को ऐसे ही हिलाना ताकि हमारा दही फटे ना। अभी ये मटन जो मैंने साफ किया है, वो इसमें थोड़ा कर करके मिक्स कर करके डाल देंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ आपको मटन करी बनाने का। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे हम दबा दबा के इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना अच्छा कलर आया है। और इसको हम गर्म पानी डालेंगे इसमें, ताकि हमारा मटन का थोड़ा टेस्ट और लगे। ये मैंने गर्म पानी भी कर लिया है एक साथ। अभी हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी। पानी हम इतना डालेंगे जितना आपको करी चाहिए। ग्रेवी के लिए पानी डाल रहे हैं, आपको अगर ग्रेवी कम चाहिए तो आप पानी कम डाल देना। अभी हम इसको बंद कर देंगे। हम 4 सीटी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी 4 सीटी लग चुकी है। अभी देखिए हमारा ये मटन बन के रेडी हो चुका है। अगर आप बीच में चेक कर लीजिए, अगर मटन हमारा पक्का नहीं अच्छी तरह, तो आप 1-2 सीटी और भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी बहुत ही अच्छा मटन करी बन के रेडी हुआ है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा, अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा हमारा मटन करी बन के तैयार हुआ है। अब मैं ऊपर से इसमें धनिया के पत्ते डाल दूँगी, धनिया के पत्ते से और भी अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा कितना अच्छा कलर आया मटन करी में। अगर आपको इसमें कोई कुछ भी कमी लगे तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए, कि मैं आगे और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको मटन करी बताया है। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया हमारा मटन का, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, कमेंट में भी ज़रूर बताना। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।